हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ये हमारा पंप हाउस है और यहाँ पे तीन मोटर लगी हुई है 90-90 किलोवाट की, 120 एचपी की। दोस्तों इसमें एक मोटर में इसकी मेगर वैल्यू नहीं आ रही है, साइड वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आज हम इसी को चेक करने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए ये हमारी मोटर है 90 किलोवाट की जो कि पंप से कनेक्ट है। और सबसे पहले दोस्तों जो ये मोटर है, हम इसका एक सॉफ्ट स्टार्टर पैनल होता है जहाँ से मोटर स्टार्ट होती है, वहाँ से पहले इसका रेजिस्टेंस लेके देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए सॉफ्ट स्टार्टर है दोस्तों ये, और पहले हम मल्टीमीटर से तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद में ही हम इसका कवर ओपन करेंगे। तो देखिए पहले हम आर वाई का रेजिस्टेंस लेंगे, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो देखिए दोस्तों अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ये अंदर से केबल ओपन हो चुका है एक। अब आर भी लेंगे तो देखिए कुछ वैल्यू आ रही है, 0.1 आ रही है। बी वाई लिया, ये भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो दोस्तों चलिए इसका एक बार कवर ओपन करके देखते हैं, वहाँ से मेगर लेंगे। ये जो केबल है सॉफ्ट स्टार्टर से हमारे सीधे मोटर में गए हुए, दोस्तों अभी हमने कवर ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं अभी हम इसका मेगर ले रहे हैं। तो दोस्तों ये इसकी जो आर फेस का जो केबल है ये पूरा आप देख सकते हैं अंदर से पूरा जल चुका है, और जो इसका बैकलाइट है जिस पे केबल कनेक्ट होता है बैकलाइट ही पूरा जल चुका है। देखिए आप अंदर से एक वायर जो आर फेस का था वो जल चुका है, और जो बॉडी से कनेक्ट हो गया था इसके मेगर वैल्यू जीरो आ रही थी। और देखिए इसका जो बैकलाइट है दोस्तों, ये बैकलाइट ही पूरी तरीके से जल चुका है, और जो इसकी लिंक है लिंक भी पूरी तरीके से जल चुकी है। तो उसको हम स्पेयर पार्ट्स लाके इसको रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।